हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सौम्य एकेडमी एंड दिस इज सौम्य तिवारी। आप सभी का मेरी वीडियो में आज बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे आज 7 to 8 months के बाद टाइम मिला है मैं कुछ ड्राइंग करूं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं और मैंने सोचा ड्राइंग करना है। और काफ़ी टाइम पहले मैंने कैनवस लिया था, तो उसको मैंने पहले उसकी पैकिंग खोल दी, साई पिन निकाल दी मैंने उसकी, क्योंकि उस टाइम मुझे पेंटिंग करने की बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। क्या कुछ करते हैं। तो मैंने एक बेस तैयार कर लिया था उस पर पेंसिल से, लेकिन कलरिंग करना था तो जो मैं नहीं कर पाई उस टाइम पे, तो कैनवास खुला तो मैंने न्यूज़पेपर में रैप करके तो रख दिया था, लेकिन बट वो काफ़ी गंदा हो चुका है इस टाइम पे। तो अब मुझे उसको पहले क्लीन करना है, उसके बाद उस पर पेंटिंग करनी है। और फिर डर ये लग रहा है कि कोई कलर करूँ उसके ऊपर फिर गंदगी ना दिखे, या उसके जो होते हैं छोटे छोटे गंदगी वो पेंटिंग कलर मिलके पेंटिंग बेकार ना हो जाए, तो काफ़ी सारा डर भी लग रहा है। तो मैंने क्यों ना सोचा कि सब चीज़ अच्छा पेंटिंग करने के लिए, मन भी करा है पेंटिंग करने का, तो क्यों ना मैं अपने फेवरेट्स कलर्स के साथ पेंटिंग करूँ जो है ऑयल कलर्स। तो ऑयल कलर के साथ मैं पेंटिंग करूँगी। सबसे पहले मैं कैनवास का ब्रश पेंटिंग ब्रश के साथ ही क्लीन कर लूँगी ऐसे ऊपर से, उसके बाद क्या कहते हैं उस पर ऑयल कलर से क्लीन करूँ, जो कि गंदगी तो बिल्कुल दिखेगी ही नहीं। और बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। और दूसरी चीज़ ये, मैंने आपको पहले ही इस पर रिक्वायरमेंट डाल दी थी कि ऑयल पेंटिंग के मटेरियल्स के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी वीडियो पड़ी तो आप उस पर जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और काफ़ी टाइम से मेरे पास सामान भी, जब मैंने वीडियो डाली थी तब उससे पहले से मेरे पास सामान आके पड़ा है, तो मैंने आज तक ऑयल पेंटिंग, मतलब कि पहले ऑयल पेंटिंग करी लेकिन पूरे प्रॉपर सामान के साथ नहीं करी, आधा मतलब कि कुछ ना कुछ, जैसे ऑयल में जो हमें ऑयल पेंटिंग में जो हमें ऑयल यूज़ करने पड़ते हैं वो मैं कुछ ऐसे ही घर के ऑयल यूज़ करके बना लेती थी। तो मेरे पास अब सामान है भी और काफ़ी टाइम से, तो मैं सोचा क्यों ना बना ही डालें और इस कैनवास का काम निपटा ही डालते हैं। तो फिर इसको फाइनली फ्रेम व्रेम करवा के इस कैनवास को रख देंगे। तो अब बनाने का टाइम आ गया है, तो उस पर मैं आपको कैनवास दिखाना चाहूँगी। और हाँ, एक और चीज़ मैंने बताया था आपको, मैं नाइफ पेंटिंग भी सिखाऊंगी। तो जो आज पेंटिंग बना रही हूँ पूरा कॉम्बिनेशन है, नाइफ पेंटिंग भी करेंगे, उसमें हम ब्रश भी करेंगे, तो सब कुछ कॉम्बिनेशन है। और कैसे कलर मिक्सिंग करेंगे ऑयल पेंटिंग में, सब चीज़ मैं आपको सिखा दूँगी। और पेंटिंग थोड़ा टाइम लेगी क्योंकि ये बड़े कैनवास पे है, तो टाइम लेगी आपको, क्योंकि आई होप आप सबको पसंद आया। उस पहले मैं आपको कैनवास दिखाने के साथ स्टार्ट करना चाहूँगी। तो आप सब देख सकते हैं कितना ही गंदा हो रखा है, तो हम इसको सबसे पहले क्लीन करेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें पेंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये जो सीनरी